हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे कि भाई आप अपने फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हैं। रीसेट बोले तो आपका फ़ोन जैसा आपने नया लिया था डब्बे में बंद, जैसा उस टाइम निकला था बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, चाहे वीडियो हो, चाहे आपकी ऑडियो हो, चाहे आपके फ़ोटोज़ हों, ऐप्स हों, सब कुछ मस्त डिलीट हो जाएगा। जो आपके फ़ोन में इनबिल्ट आता है बस वो ही आपके फ़ोन में बचेगा बिल्कुल मस्त। अगर कोई ऐप बचेगी भी तो उसका भी सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा से भाई उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी इमरजेंसी में ही फ़ोन को जो है रीसेट करना होता है। कोई कारण हो सकता है, फ़ोन हैंग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तभी फ़ोन रीसेट करा जाता है, अन्यथा रीसेट ना करें। चलिए भाई सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद भाई आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग के अंदर। मेरे फ़ोन में जो है, अगर आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर ही सेटिंग नहीं मिलती तो यहाँ पर भाई सर्च कर लेना रीसेट। जैसे ही रीसेट लिखोगे फ़ोन रीसेट की सारी सेटिंग यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं तो बैक करके चलता हूँ इसके अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है जी, थोड़ा नीचे करूँगा, यहाँ पर मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन। जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रीसेट फ़ोन का, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑप्शन आ जाएगा इरेज ऑल डाटा रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। भाई फैक्ट्री सेटिंग मतलब जैसा फ़ोन फैक्ट्री से आपके डब्बे में बंद आया था ऐसा भाई आपका फ़ोन बिल्कुल हो जाएगा। तो जब भी कोई ज़रूरत आपको लगती है तो इरेज ऑल डाटा यहाँ पर आकर आपका फ़ोन बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। पर भाई सब कुछ डिलीट होने वाला है, ये भी ध्यान रखना, रीसेट करने से पहले ऐसे ही रीसेट मत कर देना, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाता है फ़ोन में से, बिल्कुल फ़ोन नया हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, और इमरजेंसी जब कोई लगे आपको, कोई बोले कि भाई हाँ कंपलसरी है तो आपको करना है, तभी ही करना सोच समझ के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसी और वीडियो देखने में सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।